हमास और इसराइल के बीच 7 अक्टूबर से युद्ध चल रहा है। हमास के खात्मे के लिए गाजा में इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी बीच गाजा के एक हॉस्पिटल पर हमले की खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में धमाके की वजह से करीब 500 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ हमास इस हमले का आरोप इसराइल पर लगा रहा है तो दूसरी तरफ इसराइल ने इन आरोपों को गलत बताते हुए हमास पर हमले का आरोप लगाया है। अब इसी बीच ईरान ने इसराइल को धमकी दी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अस्पताल हमले के बाद बुधवार को कहा कि गाजा और फिलिस्तीन में इसराइल युद्ध अपराध कर रहा है जिसका इस्लामी दुनिया की तरफ से बदला लिया जाएगा। दरअसल फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान में 18 अक्टूबर को हजारों लोग इकट्ठा हुए। यहां लोगों के हुजूम के सामने रईसी ने कहा, अस्पताल पर हमले के साथ इसराइल का अंत शुरू हो गया। फिलिस्तीनियों का एक एक कतरा खून इसराइल को उसकी बर्बादी के करीब ले जाएगा। इसके अलावा रईसी ने अमेरिका पर भड़कते हुए कहा कि वो इसराइल के अपराधों में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा, दुनिया के लोग अमेरिका को यहूदी शासन के अपराधों में भागीदार मानते हैं। रईसी ने गाजा में इजरायली हमले को तुरंत रोकने की मांग करते हुए मुस्लिम देशों से इजरायल से संबंध पूरी तरह खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा, ईरानी नागरिक, दुनिया भर के मुसलमान और सभी आजाद ख्याल के लोग चाहते हैं कि इजरायली शासन से राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया जाए, दूसरे देशों में मौजूद इजरायल के सभी राजनयिकों को हटा दिया जाए और दूतावासों को बंद कर दिया जाए। रैली के दौरान रईसी ने इसराइल से गाजा पर बमबारी रोकने को कहा ताकि फिलिस्तीनी लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। तेहरान में हुई इस रैली का सरकारी टेलीविजन पर प्रसारण हुआ। इसमें लोगों के हाथ में ईरान, फिलिस्तीन और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्ला के झंडे थे। यहां लोगों ने फिलिस्तीन की आजादी से जुड़े नारे लगाए। वहीं इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला बोल दिया था। हमास के हमले में 1400 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। जवाबी कार्रवाई में इसराइल गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि गाजा में हुए इन हमलों में अब तक 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।